भिवंडी में हुई गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 800 करोड़ रुपए का लिक्विड मेफेड्रोन हुआ जब्त। दो सगे भाई मोहम्मद यूनुस शेख मोहम्मद आदिल शेख हुए गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गुजरात एटीएस ने पिछले महीने 18 जुलाई के दिन पलसाना के करेली गांव में स्थित एक मेफेड्रोन निर्माण कारखाने में छापेमारी की थी। लगभग इसमें पुलिस ने और गुजरात एटीएस ने मिलकर 51 करोड़ रुपए के संपत्ति को टोटल जब्त किया था। बता दें, इस 51 करोड़ रुपए की संपत्ति में 4 किलोग्राम मेफेड्रोन था और साथ ही में 31 किलो जो सरल मेफेड्रोन होता है उसे जब्ती करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया था। अब इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले के जो निर्माणकर्ता है जिनसे ये तमाम माल लेते हैं उनका पता लगाना था तो कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि ये तमाम लोगों का जो मेफेड्रोन आ रहा है वो भिवंडी में एक हब है और वहाँ से आ रहा है। तब गुजरात एटीएस द्वारा तुरंत जो है भिवंडी के लिए रवाना किया जाता है टीम को और उसके बाद गुजरात एटीएस के द्वारा इसमें भिवंडी के जो नदी नाका इलाका है वहाँ पर आया जाता है। पिछले 8-9 महीने से भिवंडी में तमाम तरीके से जो ये फ्लैट रखे हुए दो आरोपी है इनको धर दबोचा जाता है। बता दे, ये जो नदी नाका परिसर में जिस फ्लैट पर छापेमारी की गई है ये छापेमारी में पुलिस को लगभग बैरल में भरा 10,969 किलोग्राम और अर्ध तरल मेफेड्रोन और 782 किलोग्राम तरल मेफेड्रोन मिला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत जो है वो 800 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये दोनों भाई चिंचा बंदर इलाके के रहने वाले थे जो कि मुंबई का एक जगह है और इसी मुंबई की जगह पर ये रहने वाले तो ज़रूर थे मोहम्मद यूनुस शेख उर्फ एजाज और मोहम्मद आदिल शेख। ऐसे ये दोनों आरोप दोनों सगे भाई है और ये दोनों भाई जो है भिवंडी में काफ़ी बड़े पैमाने पर ये जो फ्लैट है इसके अंदर फैक्ट्री चला रहे थे। 800 करोड़ रुपए की इस मेफेड्रोन को जब्त करते हुए पूरा महाराष्ट्र ही जो है हिल गया है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उत्पान भिवंडी में हो रहा था लेकिन इससे भिवंडी पुलिस बाकवर थी। बता दे, इस पूरे मामलात में जब पूछताछ दोनों से की गई तो सादिक करके एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है। बता दे, पुलिस ने जो अब तक स्पष्ट इसमें जानकारी दी है कि दोनों की पूछताछ में ये पता चला है कि जो आदिल और यूनुस है ये दोनों दुबई के किसी एक व्यक्ति से मिले थे और उसके बाद से इन्होंने भिवंडी में जो है ये हब चलाया हुआ था नशे का। और अब पुलिस ये भी तलाश कर रही है कि आखिर ये दुबई का नेक्सस क्या है और किस तरीके से ये यहाँ पर चला रहे थे इतने बड़े पैमाने पर और आखिर ये तमाम चीज़ों की जानकारी क्यों नहीं थी। बता दें, मेफेड्रोन कहाँ से बेचा गया है और इस ड्रग्स रैकेट में कितने लोग शामिल है। गुजरात एटीएस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है लेकिन इस पूरे मामलात में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस शेख और मोहम्मद आदिल शेख की गिरफ्तारी हुई है इससे अब महाराष्ट्र में एक जो है बड़ी राजनीति भी हो सकती है क्योंकि 800 करोड़ रुपए का ये ड्रग्स गुजरात एटीएस ने भिवंडी के नदी नाका के एक फ्लैट से जब्त किया है। दूसरा केस गुजरात एटीएस ने भरूच में किया है। इसके अंदर इंस्पेक्टर पीयूष देसाई को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुजरात के दहेज में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें काम करता पंकज राजपूत जो उनका चीफ केमिस्ट है ऑपरेटर है वो ट्रामाडोल टेबलेट के लिए ट्रामाडोल एपीआई तैयार कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को एसपी श्री के सिद्धार्थ डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के साथ शेयर किया गया। इंस्पेक्टर एएस चावड़ा इंस्पेक्टर पीबी देसाई के नेतृत्व में टीम बनाएगी। उस जगह पर जब रेड किया गया तो ये पंकज राजपूत को फार्मा कंपनी से पकड़ा गया। साथ में जब पूरे गोडाउन का चेक किया गया तो उसमें लगभग 1410 लीटर ट्रामाडोल एपीआई का जो लिक्विड जत्था है वो वहाँ से बरामद किया गया। इसके आधार पे एक केस रजिस्टर किया गया और आगे इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। ये जो पंकज राजपूत है इससे एक मारुति बायोजेनिक के कंपनी के ऑनर निखिल का नाम खुला। इस निखिल ने पंकज को कन्विंस किया था ट्रामाडोल एपीआई सप्लाई करने के लिए। निखिल को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। निखिल को अरेस्ट करने से पता चला कि एक श्रीजी नाम से एक कंपनी है सरखेज में, वहाँ के एक आरोपी हर्षद ने इनको कांटेक्ट किया था ट्रामाडोल बनाने के लिए। हर्षद आगे फिर केवल कोंडलिया नाम के एक आरोपी से कांटेक्ट में था जो कि अभी फरार है।
केवल गोंडलिया के कहने पर ये जो लोग ट्रामाडोल एपीआई तैयार करने के बाद में छतराल की एक कंपनी में भेजते थे, डेनाकोर नाम से वो कंपनी है, उस डेनाकोर कंपनी में इस एपीआई से टैबलेट बनाना और उसकी पैकेजिंग का काम होता था और फर्दर ये जो टैबलेट्स है ये एक्सपोर्ट के लिए यूज़ की जाती थी। इस पूरी प्रोसीजर में थोड़े दिन पहले ही एक कस्टम्स ने मुंद्रा में एक केस किया था जिसके अंदर एक ट्रामाडोल का कंटेनर पकड़ा गया था जिसमें ट्रामाडोल टैबलेट्स के साथ में डाइक्लोफेनेक और दूसरी टैबलेट्स का भी जत्था शामिल था। इस केस में जो हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये केवल गोंडलिया और उसकी जो एक गैंग है, यही गैंग जो एपीआई से टैबलेट बना करके एक्सपोर्ट करने की कामगिरी है जो हमने अभी केस में किया है वो उसी केस से रिलेटेड थी। ऐसे तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।